तो अभी मैं आ गया था पैटा मार्केट में। यहाँ पे काफ़ी अच्छी मार्केट लगी है, काफ़ी बड़ी। तो मैं पहुँच गया था रेड मस्जिद पे। काफ़ी सुंदर मस्जिद बनी हुई है, काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी मैं निकला हूँ दोबारा अपने हॉस्टल से। मैं दिन में आ गया था वापस हॉस्टल सुबह। सिटी टूर जो मैंने आपको वीडियो आपने लास्ट वाली देखी होगी सिटी टूर की, वो सब मैंने कवर करके मैं धूप हो गई थी काफ़ी तेज़, तो मैं वापस आ गया था। मुझे लगा थोड़ा आराम कर लेता हूँ धूप में, क्या निकलूँ बाहर। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि पैटा मार्केट भी कवर करनी है और गोल पेज भी कवर करना है और रात की ही मेरी फ़्लाइट भी है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं पैटा मार्केट अभी कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद शाम को थोड़ी देर आराम कर लेंगे क्योंकि रात को फ़्लाइट भी होगी। तो वो थोड़ा सा एयरपोर्ट आना जाना और वहाँ पे चेक इन प्रोसेस, इमिग्रेशन प्रोसेस, वो सब हेक्टिक हो जाएगा। तो इससे पहले थोड़ा सा आराम करना तो बनेगा। इसलिए धूप हो रही है, मैंने चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए मैं निकल गया पैटा मार्केट कवर करने के लिए। तो चलिए आपको ले कर चलते हैं पैटा मार्केट की तरफ। दोस्तों तो अभी मैं आ गया था पैटा मार्केट में। यहाँ पर काफ़ी अच्छी मार्केट लगी है, काफ़ी बड़ी। चलो आपको दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है। तो क्या है, सब कुछ ही मिलता है जैसे अपने जनपद और चांदनी चौक की मार्केट लगती है दिल्ली में, बिल्कुल इसी तरीके की सब कुछ मिलेगा और रीजनेबल प्राइस में। यहाँ पर फुटपाथ पर भी दुकानें लग रही हैं और पीछे शॉप्स भी हैं, तो आपको जहाँ से कन्वीनियंट लगे, जहाँ आपको बेस्ट प्राइस मिलता है, जैसा आपको सामान चाहिए आप वहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। अभी मैं बढ़ रहा हूँ रेड मस्जिद की ओर, पास में ही दिख रही है। तो मैं पहुँच गया था रेड मस्जिद पे। कोविड के चलते फॉरनर्स वगैरह के लिए एंट्री अभी बंद कर रखी है, अंदर जाने का अलाउ नहीं है किसी को। तो बाहर से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। काफ़ी सुंदर मस्जिद बनी हुई है, काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर है। और कोलंबो में पैटा मार्केट में ये बहुत फेमस है, जो भी टूरिस्ट कोलंबो आता है, कोलंबो साइट विजिट करता है, वो यहाँ पे ज़रूर आता है। ये थी रेड मॉस्क जो मैंने आपको दिखाई, काफ़ी सुंदर बनी हुई है ये, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है सिर्फ रेड कलर से। ये सभी फ्रूट्स हैं और इनको मसाला वगैरह लगा के बहुत बढ़िया तरीके से काट के रखा गया है। और ये एक बॉक्स बना के देते हैं, ये पड़ता है आपको 250 श्रीलंकन रुपीज़ का। अगर एक बार लेके ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, मैंने भी एक बॉक्स ले लिया, अभी होटल जाऊंगा जब आराम से बैठ के खाऊंगा वहाँ पर। काफ़ी मतलब फ्रूट के अंदर भी काफ़ी मसाले वगैरह डाल के, और मैंने एक टेस्ट करके देखा था,
काफ़ी चटपटा सा टेस्ट था। मार्केट में बहुत भीड़ है और हर सामान आपको जो आपकी ज़रूरत का हर सामान मिल जाएगा। कपड़े लेने हैं, मोबाइल वगैरह का, बेल्ट, शू, पर्स, हर चीज़। तो ये थी पेटा मार्केट की वीडियो जो मैंने अभी आपको दिखाई। ये थी पूरी पेटा मार्केट जो मैंने आपको दिखाई। ज़्यादा शूट मैंने किया नहीं, वो इसलिए क्योंकि इतनी भीड़ थी जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि आज संडे वैसे ही है तो लोगों की छुट्टी होती है संडे को, तो सभी आए हुए थे, इसलिए ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया। तो थोड़ा बहुत ही शूट हुआ है और बाकी वही रिपीट सामान आपको सारा मिल जाएगा और वही रिपीटेड दुकानें के मतलब वही सामान हर दूसरी तीसरी दुकान पे आपको वही मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अगर पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाएँ और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।